So we are going to start from properties of square numbers in this video. There are properties of square numbers as given below. First property, this is the first property. A number having 2, 3, 7 or 8 at units place is never a perfect square. कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर के मतलब लास्ट में अगर 2 है यूनिट प्लेस में 8 है तो जिस भी नंबर के लास्ट में ये नंबर आएंगे वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि उस नंबर को सेम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखा नहीं जा सकता है. यू कांट राइट 4, 2, 7 एज परफेक्ट स्क्वायर, 7 इज देयर. 4, 2, 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. 5, 2, 8 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. इट इज योर रूल नंबर फर्स्ट, राइट. नाउ रूल नंबर टू, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन. व्हाट इज द मीन? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर है उसमें क्या होना चाहिए, उसके आखिर में नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए, हमेशा इवन होने चाहिए. सपोज 100 है, नंबर ऑफ इवन नंबर दो जीरो है. वी हैव टू जीरोज ओवर हियर एंड हियर इन 1000 देयर आर 3 जीरो. इट इज ऑड नंबर ऑफ जीरोज, सो इट विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस नंबर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर एवर. नाउ 10,000 इज परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर ऑफ जीरोज आर 4. दीज आर इवन इन नंबर. द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस विल बी 100, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 100 आएगा. 100 × 100 अगर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा. तो परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर होते हैं, वही जहाँ पर इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड में होते हैं. नाउ रूल नंबर थर्ड, द नंबर एंडिंग इज एन इवन नंबर ऑफ जीरोज मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. कहने का मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. यानी कि जैसे 200, सपोज एग्जांपल ये है 2600, इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं बट दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं. 2500 का हो जा होगा लेकिन इसका नहीं होगा, ठीक है. तो इसका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा. पर इसका कोई भी नंबर, कोई भी होल नंबर या नेचुरल नंबर इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा. तो ये नंबर भी सभी में ये रूल लागू नहीं होता है, एक्सेप्शन है, इसका ध्यान रखिएगा. इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं बट आपने नंबर को देखना, चेक करना है. सिमिलरली रूल नंबर 4, अ नंबर एंडिंग इज एन ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. जिस नंबर में आपके ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. सपोज 1000, ऑड नंबर ऑफ जीरोज आर हियर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. नाउ रूल नंबर 5, द यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ गिवन नेचुरल नंबर्स. तो जो आपको एक टेबल दी गई है, यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं आप, जो टेबल दी गई है तो इसमें क्या यूनिट्स डिजिट ऑफ है नंबर, माना यूनिट्स जीरो है तो उसका यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर जीरो ही होगा. सपोज अगर आपका यूनिट डिजिट में क्या है, जीरो है, तो इसका जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 0 × 0 विल बी जीरो, तो यहाँ भी जीरो होगा. अगर आपका नंबर में 1 और 9 है तो 1 × 1 लास्ट इसके स्क्वायर में 1 ही नंबर आएगा. 9 है तो 9 × 9 81 आएगा, तो यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा, ठीक है. यानी कि अगर कोई नंबर के पीछे 9 है, 89 का स्क्वायर करना, आपने कहा 89 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में क्या नंबर आएगा, तो यूल से 1 आएगा. जब भी आप इसको 89 को 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट यूनिट प्लेस यू विल गेट 9 × 9 = 81 इज कैरिड ओवर, ठीक है. तो लास्ट में आप ऐड करें तो 1 ही आएगा. यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे इस मल्टीप्लिकेशन को तो 1 आएगा. तो यानी कि स्क्वायर के इंड में अगर 9 है तो उसके स्क्वायर जो उसको स्क्वायर करेंगे हम, नंबर के इंड में अगर 9 है तो स्क्वायर में भी 1 आएगा. किसके लिए? 1 और 9 के लिए. Now look at the table once again. It is your table. If 2 or 8 is in the end of number, then the square will be with 4. Or 2 last time, suppose 42 hai.
तो टू का स्क्वायर क्या होता है लास्ट का फोर, एट लास्ट में है 48 है, 8 8 64 ऑफ फोर, तो यहाँ पे फोर ही आएगा लास्ट में। टू और एट अगर लास्ट में हो नंबर के तो उनके स्क्वायर में जो नंबर आया जो यूनिट प्लेस में आएगा वो ए फोर आएगा। ऐसे सिमिलरली थ्री और सेवन, थ्री थ्री जा नाइन और सेवन सेवन जा 49, सेवन सेवन जा 49 का भी 9 ही आएगा, ठीक है। फोर और सिक्स में फोर फोर जा 16 का 6 आ जाएगा, और उसके बाद सिक्स सिक्स जा 36 का भी 6 आ जाएगा, यानी यूनिट प्लेस में इसका 6 ही आएगा। फाइव में हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये टेबल है आपकी अकॉर्डिंग रूल। नाउ रूल नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑड एंड द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन। तो यानी कि अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा। सपोज 3 ऑफ स्क्वायर इज 9 एंड 4 ऑफ स्क्वायर इज 8, तो ऑड का ऑड ही आया और इवन का इवन ही नंबर आया। नाउ रूल नंबर 7, फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स एन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स और टू देयर सम एन प्लस वन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन प्लस एन। एंड सपोज सपोज दो कंजुगेटिव नंबर है, कंजुगेटिव क्या है जो एक के बाद एक आते हैं, 8 और 9 है, तो अगर इनका डिफरेंस इनके स्क्वायर का डिफरेंस करें, 9 ऑफ स्क्वायर 8 ऑफ स्क्वायर इनका डिफरेंस करें तो वो क्या आएगा, 9 प्लस 8 के बराबर 17 आएगा। अब एक चेक कर सकते हैं, 9 9 जार 81, 8 8 जार 64, डिफरेंस इज एवर 17, ठीक है। तो ये रूल आपसे ये कह रहा है। नेक्स्ट रूल रूल नंबर 9 इज सेइंग टू यू द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एन इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करना चाहते हैं, मतलब सपोज 13 है तो उतने ही ऑड नंबर्स आपके पास के सम के बराबर उनका स्क्वायर होगा, ठीक है। सब एग्जांपल के लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसा होता है कि उतने ही जो फोर है तो यहाँ 1 2 3 4 ऑड नंबर्स, ठीक है। पहला नंबर ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो 7 और 5 12 12 और 3 15 और 1 16, तो यानी कि जो हमारा अगर हमारा 12 का स्क्वायर होता है तो 12 भी टर्म आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे 12 टर्म आते हैं, 12 ऑड नंबर्स आते हैं, ठीक है। जो भी नंबर होगा तो इस प्रकार से भी हम स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर 10, अ परफेक्ट स्क्वायर अदर देन 1 लीव्स अ रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड 4। यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एक को छोड़कर, तो अगर उनको आप 3 और 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 रिमाइंडर आएगा या 1 रिमाइंडर आएगा। सपोज 36 इज डिवाइडेड बाय 3 तो रिमाइंडर इज 0, एंड 25 इज डिवाइडेड बाय 4 इज रिमाइंडर इज 1। यानी कोई भी परफेक्ट नंबर है उसको अगर 3 और 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 या 1 आएगा एक को छोड़कर। नाउ रूल नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर माइनस 1 वेयर एन इज एन एनी नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल एन प्लस 1 एन माइनस 1 इज टू एन स्क्वायर माइनस 1, है ना। यानी कि एन प्लस 1 यानी कि जो दो कंजुगेटिव नंबर हैं उनको अगर आप ऐसे लिखे हैं तो क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 आएगा, राइट। सपोज नंबर इज 11, एन इज टू 11 है सपोज, तो 11 प्लस 1 12 एंड 11 माइनस 1 इज 10, ठीक है। तो अगर ऐसा करें ये आंसर 120 आया, यहाँ भी करें एन स्क्वायर एन इज 11 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 121 माइनस 1 इज 120 ऑल्सो। तो यानी कि अगर दो कंजुगेटिव नंबर हैं तो उनका जो है मल्टीप्लिकेशन करें अगर आप तो वो इस तरह से इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। दीज आर ऑल रूल्स अबाउट स्क्वायर नंबर्स एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व योर एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।